आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही स्वादिष्ट मखाने के लड्डू। ये देखिए बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मखाना के बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू, वो भी बिना चाशनी के। तो चलिए रेसिपी बनाना। मैंने गैस पे चढ़ा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई गर्म होने देते हैं। इसके बाद डाल दूंगी इसमें मखाना। इसे भूनना है हमें, इसे चलाते हुए हमें भून लेना है। इसके लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी होते हैं। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो कृष्णा जी के भोग के लिए मैं ये लड्डू बना रही हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएंगे अपने घर पर। तो इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। इसे चेक कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से जब हम तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूटना चाहिए। देखिए अभी थोड़ा सा कच्चा है, इसे भून लेती हूँ। तो चलिए तोड़ के दिखाती हूँ आपको। देखिए आसानी से ये टूट जा रहा है। तो गैस को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे काजू और बादाम। इसे भी थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे हल्का सा। इसे भून लेती हूँ काजू बादाम को। तो देखिए फ्रेंड्स काजू और बादाम भी अच्छे से भून गए हैं। इसे भी निकाल लेती हूँ। जो मैंने मखाना और काजू बादाम भून के रखा है इसका पाउडर बना लेती हूँ। देखिए मैंने बादाम और काजू को पीस लिया है। मैंने यहाँ पे लावे को भी पीस लिया है। तो देखिए फ्रेंड हमारा पाउडर बिल्कुल तैयार हो गया है। चलिए गैस की तरफ। तो मैंने गैस पे जो है कढ़ाई चढ़ा दिया है। मैंने यहाँ पे लिया है आधा लीटर दूध। दूध को मैंने उबाल लिया था। अब इसे चलाते हुए हमें पका लेना है। इसे गाढ़ा एकदम बनाना है हमें दूध को, जैसे रबड़ी होता है बिल्कुल उस तरह से बनाना है। तो देखिए दूध हमारा अच्छे से उबल रहा है। थोड़ा सा इसमें डालूंगी येलो फूड कलर, इसको मिक्स कर दूंगी। कृष्णा जी का भोग है तो इसे थोड़ा सा हम कलरफुल बनाएंगे। देखिए फ्रेंड इसका कलर चेंज हो गया है। आप बिना कलर फिल्म बना सकते हैं। और हमारा दूध भी बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, ये देखिए। तो मैं अब इसमें मिश्रण जो है थोड़ा थोड़ा डालूंगी और इसे चलाती जाऊंगी। अब इसमें डालूंगी एक बड़ा चम्मच देसी घी। इसको इसके साथ मिक्स कर दूंगी। इसे चलाते हुए हम भून लेना है हमें। देखिए मिश्रण बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे निकाल लेती हूँ ठंडा होने के लिए। गैस को बंद कर देती हूँ। इसे ठंडा होने देते हैं। तो मिश्रण हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। देखिए हाथ से छू पा रहे हैं हम। अब मैं डालूंगी इसमें मैंने चीनी को पीस लिया है। चार चम्मच चीनी ऐड कर दूंगी। मैं थोड़ी सी काजू को इस तरह से बारीक काट दिया है। सारी
तो मिश्रण हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो लड्डू बना लेते हैं इसका। आप थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। लड्डू को इतने बड़े छोटे बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा घुमा देंगे। लड्डू जो है बन के बिल्कुल तैयार हैं। इसी तरह से सारे लड्डू बना ले गई। ये देखिए फ्रेंड, हमारे लड्डू जो है बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।